अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त जलवा नाते मुस्तफ़ा और मैं हूं आफ्ताब आलम। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कब्र में बदन सलामत किसका रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल जलवा नाते मुस्तफ़ा को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, इसी तरह का वीडियो आप हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिद बिन अब्दुल मलिक उमवी के दौरे हुकूमत में जब रोज़े मुनव्वरा की दीवार गिर पड़ी और बादशाह के हुक्म से तामीर जदीद के लिए बुनियाद खोदी गई तो नागहां बुनियाद में एक पांव नज़र आया। लोग घबरा गए और सब ने यही ख्याल किया कि यह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाए अक़दस है। लेकिन जब उर्वा बिन ज़ुबैर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो पहचाना, फिर कसम खाकर यह फरमाया कि यह हुजूरे अनवर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वसल्लम का मुक़दस पाँव नहीं है, बल्कि यह अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम शरीफ है। तो लोगों की घबराहट और बेचैनी में क़द्र सुकून हुआ इसका तबसरा। बुखारी शरीफ की यह रिवायत इस बात की ज़बरदस्त शहादत है कि बाज़ औलियाए किराम रहमतुलिल आलमीन के मुक़द्दस जिस्मों में कब्र की मिट्टी बरसों गुज़र जाने के बाद भी नहीं खा सकती। बदन तो बदन, इसका कफन को मिट्टी मैला नहीं कर सकती। जब औलियाए किराम का यह हाल है तो भला हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा। फिर हुजूर सैयदुल अंबिया खातिमुन नबी शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्मे अतहर का क्या कहना, जबकि वह अपने कब्रे मुनव्वर में जिस्मानी लवाज़िमे हयात के साथ ज़िंदा है। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है, यानी अल्लाह ताला के नबी ज़िंदा हैं और उनको रोज़ी भी दी जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने तो समझ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो अल्लाह के वलियों को और अल्लाह ताला के नबी ज़िंदा हैं और उनको कोई चीज़ नहीं खा सकती, मिट्टी भी नहीं, जैसा है वैसा ही वो लोग रहेंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी तक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और कुछ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल जलवा नाते मुस्तफ़ा को आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में।